और मैं बता दूं जब सहवाग मार रहा था तो बालकनी में रोहित शर्मा उसको देख रहा था साला तीन बार ठोका ही थ्री टाइम डबल तीन बार ठोका इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं क्या बोलता है बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं मैं मुझे लगता है मैं राजा हूं आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा यू कैन रूल द मार्केट डियर फ्रेंड्स मैं दावा दे सकता हूं आपको इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिस अगर आप खुद पे भरोसा करें तो वो हो नहीं सकता मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी अक्सर सुनाया करता हूं दो मिनट में जरूर सुनाऊंगा बिफोर 1956 ये बिलीफ नहीं था कि कभी भी एक मील की यात्रा को आप चार मिनट से पहले कंप्लीट कर सकते हैं ये एक ऐसी खतरनाक इंसिडेंस स्टोरी है जो आदमी को अंदर तक खिला जाती है 1903 के अंदर ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे उन्होंने यात्रा कि चार, चार मिनट से पहले हो ही नहीं सकती फिजिकली आदमी इतना केपेबल नहीं है तो 1903 में जब ब्रिटिश ओलंपिक की कोच ने ये माइंडसेट किया लोगों का तो लोगों का वैसे ही माइंडसेट हो गया वो लोग ट्रैक पे दौड़ने लगे ये सोच के साथ कि कोई भी आदमी एक मील को चार मिनट से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता अटिल दर नाइन सिक्सर ने एक मील को तीन मिनट उनकेंड में जब किया, तो एक बिलीव पैदा हुआ, do, मैं आपको बता दूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज उन्नीस से लेकर आज दो तक करीब करीब सात हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक मील की यात्रा को चार मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं इवन स्कूल गोइंग किड्स स्कूल जाने वाले बच्चे भी आज एक मील को चार मिनट से पहले कंप्लीट कर जाते हैं तिरपन साल से एक भी नहीं कर पाया था लेकिन जब रॉजर बेनेसर निकल के आया चेंज आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स लेडीज एंड जेंटलमैन सिंपल बिलीव इफ वन कैन डू वी कैन डू क्योंकि बिलीव चेंज होते ही जो सेकेंड बाय प्रोडक्ट है बिलीव का वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है जैसे आपका बिलीफ चेंज होता है आपका एटीट्यूड चेंज होता है एटीट्यूड चेंज होते ही आपका एक्शन चेंज हो जाते हैं गाइस सिंपल कहानी है पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में लगाया 2010 फर्स्ट डबल सेंचुरी स्कोर बाय सचिन रमेश तेंदुलकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010 उससे पहले दोहरा शतक सोचना भी दूर की बात था क्योंकि वनडे में वाली साहब दो रन टीम बना के मिलाती थी साठ ओवर का मैच था वही ग्राउंड था लेकिन अगर कोई सौ बना देता था तो बहुत बड़ी बात होती कि बैट्समैन स्कोर हंड्रेड और आप देखेंगे कभी कभी कि सौ पे बल्लेबाज आउट हो गया क्योंकि उसको लगता था जो करना था मैंने अब कर दिया बहुत बड़ा काम हो गया मेरी जिंदगी का सौ पे आउट हो गया टाइम चेंज हुआ किसी ने कभी सोचा नहीं था क्योंकि जो लोग बल्लेबाजी करने जाते थे उनको लगता था सौ कर लेना बस बहुत है यार दो में चमत्कार हुआ पहला डबल सेंचुरी लगा वनडे क्रिकेट का मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दो हजार नौ सौ बहत्तर वनडे मैच खेले जा चुके थे इस इंसिडेंट से पहले करीब करीब तीन हजार वनडेटीन सेवन से वनडे इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ और दो हजार दस में पहला शतक लगा दोहरा यानी चालीस साल लग गए किसी को पहला दोहरा शतक लगाने में क्योंकि बिलीफ नहीं था कि कोई वनडे में सारा डबल मार सकता है वट है ट्वेंटी टेन इज अमेजिंग नॉन स्ट्राइकर पर सहवाग देख रहा था उसने देखा तेंदुलकर को कि यह मार सकता है मैं भी मार दूंगा िलीफ सिस्टम चेंज और सिर्फ 200 वनडे के गैप में पहला डबल सेंचुरी लगने में 3000 हजार वनडे लगे सहवाग ने सिर्फ 200 वनडे के गैप में वनडे इतिहास का दूसरा डबल सेंचुरी ठोक दिया क्या चेंज हो गया दोस्त बिलीफ बिलीव चेंज ही एटीट्यूड चेंज होता है चाल बदल जाती है एक्शन चेंज हो जाते हैं और मैं आप बता दूं जब सहवाग मार रहा था तो बालकनी में रोहित शर्मा उसको देख रहा था साला तीन बार ठोका थ्री टाइम डबल सेंचुरी तीन बार ठोका मार्टिन गुप्टिल मारा क्रिस गेल मारा आज करीब करीब बारह लोग डबल सेंचुरी ठोक चुके हैं लेकिन 2010 से पहले नोटी वन वंस, वह उनको लगता था नहीं मार सकते ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते थे उनको लगता था लेकिन जब तेंदुलकर ने मारा तो सबके राडार खड़े हो गए इफ ही कैन डू हमारे यहां पर ट्वेल्थ के बच्चे अगर डेढ़ लाख रुपए कमा सकते हैं आपको उनको देख के सारा बिलीव सिस्टम पैदा नहीं होता इफ ही कैन डू वी कैन डू कितना है यार और सारा का सारा खेल बिलीव सिस्टम का है मैं आपको फिर बताता हूं माई डियर फ्रेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है. सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में जिराफ राइट बड़े में शायद हाथी सबसे फुर्तीला कौन होता है चीता सबसे क्लेवर कौन होता है लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए राजा कौन होता है उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है ना ऊंचा है ना भारी है ना फुर्तीला है ना क्लेवर है उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है इसका साले का बिलीव सिस्टम बड़ा गजब है इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं? क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं मैं मुझे लगता है मैं राजा हूं अब इस बिलीव सिस्टम से होता क्या है एटीट्यूड चेंज होता है एक्शन बदल जाता है हाथी ने शेर को देखा शेर ने हाथी को देखा एनकाउंटर हुआ आंखों का आमना सामना हुआ अब हाथी ने अब हाथी ताकतवर है कि शेर कॉमन सेंस देखो हाथी ताकतवर है अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है वह सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे सौ फुट दूर जाए लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है ईटर ये खाएगा उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है अब शेर ने जैसे हाथी को देखा उसके थॉट में भी आता है लंच मैं इसको खा सकता हूं तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग मोड में लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है तो जवाब है, है लेकिन वो वैसा फील करता है लेडीज एंड जेंटलमैन आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स मैं दावा दे सकता हूं आपको ना ताकत चाहिए ना एजुकेशन चाहिए ना गोरा होना चाहिए ना अंग्रेजी चाहिए ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर मैं आपको बता दूं अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में सौ हाथी घूम रहे हैं तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा अभी अनाउंसमेंट हो जाए एक शेर आ गया है बार। तुम्हारे दरवाजे बंद साला बंद कर सौ हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें और ठीक है क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर तो डोंट बी एलिफेंट बी ए लॉइन लेडीज एंड जेंटलमैन जिसको देखने के बाद सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाए बात समझ में आ रही है तो बोलो हा